हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक पिलो कवर बनाने जा रही हूँ, वो भी एक शर्ट की मदद से। तो मेरे पास ये एक अनयूज्ड शर्ट पड़ा हुआ था, तो इसी का मैं आज पिलो कवर बनाऊंगी। तो आपको जिस भी तकिए का पिलो कवर बनाना है, उसका पुराना एक कवर ले लीजिए, उससे करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं। तो मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दे रही हूँ, और अब मैं इससे चारों तरफ से मार्क कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मार्क कर लिया, और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। इसे बनाना बहुत ही इजी है, और आप इसे बिना मशीन के भी बना सकते हैं, हाथों से भी सिल करके। तो अब मैं इसे सीधी साइड को उल्टी कर दूँगी, और इसके चारों साइड अब हमें सिलाई लगा देना है। कहीं पे भी हमें खुला नहीं छोड़ना है, चारों साइड से इसे सिलाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे सिलाई भी कर लिया, और अब मैं इसमें पिलो को डाल करके आप लोग को दिखाती हूँ। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप जब कभी इसके ऊपर माथा या सिर रखो तो आप इसे उल्टा कर लेना, इस साइड बटन होने के कारण चुभ सकती है। तो ये देखिए ये बन चुका है। अब हम इस बटन को लगा देंगे, और ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और आप इसके पॉकेट में कुछ रख भी सकते हो, जैसे कि पेन हो गया, रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, ये सब आप रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने पहले भी बनाया है इस तरह के। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।